जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी YouTube चैनल में। और आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी लेकर आया हूँ जो कि भारतीय डाकघर से आई है, इंडियन पोस्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र जाके आपको सारे डिटेल्स बता देता हूँ। ये डिटेल आई है बिहार पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2017, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1471, मतलब 1471 ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए ये ऑनलाइन फॉर्म आई हुई हैं। अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो बिहार पोस्टल सर्कल हैज़ एडवर्टाइज ए नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 1471, मतलब 1471 ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसीज एलिबल, और फिर यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फ्रॉम, ये एप्लीकेशन 20 तारीख को आ चुकी है, 20 सितंबर को। तो आप लोग अब से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये लास्ट डेट अप्लाई की है वो है 19 अक्टूबर तक आप अप्लाई लास्ट कर सकते हैं, 19 तारीख तक। उसके बाद आपको मैं एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेसेस, एप्लीकेशन फ़ी एंड कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। और मैं आपको ये पहले भी बता दूं कि ये भले ही पोस्ट बिहार में आई हैं लेकिन इसे अप्लाई ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई किया जाएगा, और ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर झारखंड से हूँ तो मैं भी इस पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हूँ, मैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को क्वालिफाई करता हूँ, अगर एज मेरी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर है तो मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। और लगभग 1500 के पोस्ट आई हैं। तो अगर मैं यहाँ नेम ऑफ डिवीज़न बात करूँ तो बेगूसराय में 40 पोस्ट है, दरभंगा में 48 पोस्ट है, इस चंपारण में 75 पोस्ट है, मधुबनी में 52 पोस्ट है, मुजफ्फरपुर में 55 पोस्ट है, पूर्णिया में 33 पोस्ट है, सहरसा में 43 पोस्ट है, समस्तीपुर में 54 पोस्ट है। इसी तरह कुल मिला के 26 डिस्ट्रिक्ट में आपको मिला के 1471 पोस्ट हैं। अगर मैं नेम ऑफ द कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे यू आर, मतलब जो कि अनरिजर्व्ड हैं, तो उनके लिए 773 पोस्ट हैं। जो ओबीसी हैं उनके लिए 409 हैं। जो एससी हैं उनके लिए, जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 209 पोस्ट अवेलेबल हैं, एसटी के लिए 36 हैं, और फिर जो फिजिकल डिजेबल्ड हैं उनके लिए 44 पोस्ट कुल मिला के रखे गए हैं। एज लिमिट की हम अगर बात करें तो कैंडिडेट्स एज लिमिट शुड बी बिटवीन 18 से 40, कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनकी एज 18 से लेके 40 के निर्धारित होनी चाहिए। ऑफ द लास्ट डेट सबमिशन थ्रू ऑनलाइन अप्लाई, एज रिलैक्सेशन इज एडमिशेबल टू 5 ईयर्स फॉर SC/ST, 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स एंड 10 ईयर्स फॉर, यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा वो 5 साल ST/ST को मिलने वाली है, 3 साल OBC कैंडिडेट को मिलने वाली है, और 10 साल उनको मिलेंगे जो कि फिजिकली डिजेबल्ड हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम अप्रूव्ड स्टेट बोर्ड्स बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, विथ कंप्यूटर नॉलेज। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कुल मिला के तो आप 10th पास होने चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, जैक हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो, आप कोई भी बोर्ड से हो आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं एक नॉर्मल सी बात बता दूं कि अगर अभी तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर 10th तक अगर आप
पढ़ते हो कहीं भी, तो आपको कंप्यूटर बेसिक चीज़ में रखा जाता है एक सब्जेक्ट की तौर पे। तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कंप्यूटर सिखाई जाती हैं, कंप्यूटर की सब्जेक्ट होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर तो आएंगे ही आएंगे। तो जो भी 10th पास है और उन्हें कंप्यूटर नॉलेज है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना सोचे। और पोस्ट की वैकेंसी 1471 है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन मेरिट। कि ये सिलेक्शन कैसे होने वाली है, तो वो मेरिट बेसिस पे होने वाली है कि जो अच्छा जिनका परफॉर्मेंस रहेगा उन्हें ही चूज़ किया जाएगा, जो कि हर जगह है। अगर मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी बोलते हैं, कैंडिडेट शुड पे ₹100 फॉर ओबीसी ओसी ओबीसी मेल कैंडिडेट पेड एट, मतलब यहाँ पे जनरल ओबीसी को ₹100 पे करना है। और नो फीस फॉर ऑल फीमेल्स एंड ST/ST कैंडिडेट्स, मतलब कि अगर कोई फीमेल है, चाहे वो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, एससी से हैं, उनको कोई भी फीस नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकती हैं विदाउट एनी फीस। और ST/ST जो है उनको भी एक भी रुपया नहीं लगेगा, सिर्फ जनरल और ओबीसी को ₹100 लगने वाले हैं इस फॉर्म की चार्जेस। अगर हम इसे अप्लाई करके, मैं आपको बाद में बता दूंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। कि अगर आप इसे अप्लाई करने से पहले आपके पास एक जीमेल की आईडी होनी चाहिए और पासवर्ड होनी चाहिए, जो कि आज के टाइम पे सबके पास होती है। क्योंकि अगर जीमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास नहीं होंगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, और आप अगर अप्लाई कर भी दिए तो वो आपको एक मैसेज भेजते हैं आपके आईडी पे, तो आप वो नहीं कर एक्सेस नहीं कर पाओगे। उसलिए कैंडिडेट्स लॉग ऑन द वेबसाइट, ये तो मैं बता दूंगा, सेलेक्ट ऑल डिज़ायर पोस्ट एंड क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ ही देर में। अगर मैं इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूँ यहाँ पे, तो स्टार्टिंग डेट तो मैंने बता दिया 20 तारीख को, जो कि स्टार्ट हो चुका है 20 सितंबर से, और लास्ट है आपका 19 अक्टूबर तक, जो कि 1 महीना तक ये फॉर्म ऑनलाइन रहेगा। तो आप इसे कब जब भी चाहेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं 19 तारीख तक। अब मैं इसे आपको बता देता हूँ कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं, और मैं सारी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उससे पहले मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन में चला गया। आप यहाँ पे जाके जैसे कि आप अपना नाम डालोगे, जो कि आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में है, और आप उसमें स्पेस भी डालोगे, अपने फादर्स का नाम भी इसमें डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, 10th में जो बर्थडे था वो डालना है, जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी हो आप अपना डालना है, कम्युनिटी में यहाँ पे आप जो भी आप आते हो, अगर अनरिजर्व्ड हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ST/ST जो भी हो आप उसे डाल सकते हैं। अगर आप फिजिकल चैलेंज्ड हैं तो आप यहाँ पे एस यस कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर नहीं, ठीक नहीं करना है। अगर आप यस करते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपकी परसेंटेज क्या है, नहीं है और परसेंट, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी। और यहाँ पे कैंडिडेट्स नीड टू सेलेक्ट द फॉलोइंग सर्कल्स ऑफ द स्टेट मेंशन फॉर द रिमेनिंग स्टेट, सर्कल विल बी रिस्पेक्टिव स्टेट नेम्स, आंध्र प्रदेश एंड यनम, नॉर्थ ईस्टर्न मैनपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गुजरात, दमन एंड दीव। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं। सर्कल इन विच 10th क्लास पास्ड, आप कहाँ पे 10th क्लास पास्ड किए हो, जैसे कि मैंने झारखंड में किया है तो मैं यहाँ झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये फिर रिफ़्रेश हो जाएगा फटाक से। मैं जो ज़रूरत की चीज़ है मैं आपको तुरंत बता दूंगा। बोर्ड इन विच 10th क्लास पास्ड, तो कौन से बोर्ड से आपने यहाँ पे CBSE पास किया है,
तो यहाँ पे आपकी अगर जो जो बोर्ड, अगर मैं यहाँ पे बिहार अगर मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जितने भी बोर्ड हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लाके फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, बिहार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विथ 7 सब्जेक्ट। तो आप अपना सारे यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपकी है। तो मैं जैसे यहाँ पे झारखंड डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे मैं CBSE से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना CBSE डाल देता हूँ, जो मैंने 10th पास किया मैं यहाँ CBSE डाल देता हूँ। आपको यहाँ पूछा जाएगा ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, कि आप 10th क्लास कब पास किए थे। तो आप जिस भी ईयर में पास किए थे आप उसे फिल कर दीजिए। मैं 2013 में पास किया हूँ, तो मैं 2013 कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर, जो आपको 10th क्लास में आपको बोर्ड के जब रिजल्ट आई थी उसके बाद, जब आपको जो कि जो रिजल्ट आए थे उसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं रहते हैं, क्योंकि वो तो ऑनलाइन मोड हो रहती है। जो आपकी जो आपको कॉलेज जो आपको स्कूल देती हैं, आपको एक बड़ा सा रिपोर्ट कार्ड, उसके ऊपर सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है। आप उस सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर लिख देना, और उसके बाद आप यहाँ पे ये कैप्चा डाल के सबमिट डिटेल में कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से करके सबमिट डिटेल में करके आप ये रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उसके बाद आपको फिर लॉगिन करना होगा, वहाँ पे जाके आपको डिटेल डालना होगा, और फिर आपको सारा कुछ डालना होगा जो भी वो मांगेंगे, फोटोग्राफ, पासपोर्ट। और मैंने जैसे ही आपको बता चुका है कि जनरल का और OBC का 100 रुपीज़ फ़ीस है, और बाद बाकी फीमेल ऑल कैटेगरी जनरल ST OBC जो भी हैं उनको 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है, लेकिन मेल में जनरल और OBC को 100 रुपीज़ चार्ज लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप बोलोगे या फिर कोई डाउट है आपको, तो मैं आपको फॉर्म फिलअप करके बता दूंगा कि कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे हालांकि कर सकता था मैं, लेकिन आप अगर बोलोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी फॉर्म फिलअप करके बता दूंगा। और जी हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है, अगर आप 10th पास हो और थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप इसे अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि नहीं अप्लाई करने का मतलब नहीं बनता है। अगर अप्लाई करो और हो जाए तो बुराई क्या है, क्योंकि आप देख सकते हो कि देश में कितनी बेरोजगारी है। और जैसे कि मैं अगर कल की आपको एक बात बताऊं, तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था JSSC की, झारखंड की, तो उसमें एक पोस्ट थी इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड कंबाइंड एग्ज़ाम की, तो उसमें सिर्फ 765 पोस्ट थे। लेकिन आप सिर्फ ये सोच के अनुमान लगा लेना कि कितनी अप्लाई हुई होंगे, 51,000 कैंडिडेट या स्टूडेंट्स की फॉर्म सिर्फ रद्द की गई। तो आप सोचो कि अप्लाई कितना हुई होंगी और सिर्फ 765 पोस्ट है। यहाँ तो फिर भी इसका आप लगभग लगा लो 2 गुना पोस्ट ज़्यादा है, तो समझ सकते हो कि। और जी हाँ, ये तो हो गई बात। मैं आपको और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जैसे ही बहुत बार ऐसी होती हैं कि मैं वीडियो डालता हूँ, कुछ लोग देख लेते हैं और वो अप्लाई भी कर देते हैं साथ ही साथ में, तो उनको क्या होता है, वो एक चांस मिस नहीं करते हैं, और उनके पास अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो क्या अप्लाई करें नहीं करें। मैंने बहुत सारा मेरे मेरे खुद के वीडियोज़ में मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि लोग देखते हैं, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन डेट चली जाती है तब, और उन्हें पता नहीं होता, तब देख के कोई फ़ायदा नहीं होता है, टाइम की भी बर्बादी है। और फिर टाइम की बर्बादी तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपने एक पोस्ट मिस कर दिया जो कि शायद आप वहाँ पे शायद आपकी हो जाती, आप कैपेबल होते हैं, लेकिन आपने नहीं कर पाया क्योंकि आपको आइडिया नहीं था जब। और मैं आपको यहाँ पे आइडिया देने के लिए हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।